नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आरती प्रजापति आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले यूजीसी नेट की तरफ से जो नोटिस आई हुई है उस नोटिस को हम पढ़ने वाले हैं और उसके बाद हम ये भी देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो न्यू स्टूडेंट है जिनको फॉर्म फिल करना बाकी है तो वो लोग कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं ओके तो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ सबसे पहले हम यू नेट की साइट पर चलते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम यू नेट की साइट पर सबसे पहले जाएँगे तो मैंने यहाँ पर यू नेट लिख दिया है और यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर साइट दिख रही है आपको यूजीसी ने डॉट एन टी ए डॉट निक डॉट इन ओके उस पर आपको जाना है अब देखिए दोस्तों हम आ गए हैं यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ से हम सबसे पहले पब्लिक नोटिस जो जारी किया गया है उसको पहले डाउनलोड कर लेते हैं ओके अब देखिए यहाँ पर ये यह पब्लिक नोटिस आपके सामने आ चुकी है तो चलिए देख लेते हैं पब्लिक नोटिस में क्या कहा है तो देखिए दोस्तों सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो पब्लिक नोटिस जारी किया गया है वो आपका 10 अगस्त को किया गया है लेकिन वास्तव में 10 अगस्त यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन आज ही ये जारी किया गया है ओके दूसरी बात यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लिखा है कि ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जून टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तो जून 2021 में जिन बच्चों को एग्ज़ाम देना था उन लोगों के लिए यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है ये एक आप लोगों के लिए वैसे भी खुशखबरी भी हो सकती है कुछ बच्चों के लिए ये बैड न्यूज़ भी हो सकती है ओके वैसे तो अभी दिसंबर वाला भी एग्जाम है और साथ ही साथ यहाँ पर जून वाला भी करवाना है ये बात यहाँ पर नोटिस में बताई गई है चलिए देखते हैं कहाँ पर बताइए तो यहाँ पर देखो बताया गया है कि जो भी हमारी एग्जाम पोस्टपोन हुई थी दिसंबर 2020 वाली ओके कोविड 19 की वजह से और उसके साथ साथ देखिए यहाँ पर आपको जून 2021 का आ, जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका भी यहाँ पर शेड्यूल दिया गया दोनों का मिलाकर कर यहाँ पर शेड्यूल दिया गया ओके और दोनों एग्ज़ाम को यहाँ पर क्या किया गया दोनों साइकिल को यहाँ पर मर्ज किया गया है ओके यानी कि आपके दिसंबर 2020 और आपके जून 2021 की जो साइकल्स हैं उसको क्या किया गया है मर्ज किया गया है दोनों को मिला दिया गया है ओके और दोनों को साथ में एक एक ही दिन एक ही साथ यहाँ पर सॉरी एक ही साथ यहाँ पर एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट कराई जाएगी ओके ये बात यहाँ पर बताई गई है दूसरी बात देखिए कि यहाँ पर आगे देखते हैं अब देखिए यहाँ पर आपके जो भी शेड्यूल दिया गया है ओके तो जून 2021 का यहाँ पर शेड्यूल दिया गया है किस तरीके से शेड्यूल है वो भी देख लेते हैं ओके तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है तो देखिए जिन लोगों ने दिसंबर में फॉर्म फिल किया है उन लोगों को दोबारा यहाँ पर फॉर्म फिल नहीं करना है लेकिन जिन लोगों ने नहीं फिल किया था वो लोग यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं ओके तो यहाँ पर देखिए उसकी डेट दी गई है दस अगस्त से लेकर आपके पाँच सितम्बर तक आप यहाँ पर जो आपका ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म है वो सब करा सकते हैं ओके तो ये खास ध्यान रखना कि यहाँ पर 10 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है यानी कि 10 अगस्त आपकी कल थी तो कल से स्टार्ट हो चुका है और 5 सितंबर तक आपके ये फॉर्म आप फिल कर पाएंगे ओके लास्ट डेट आपके 5 सितंबर है उसके बाद देखिए कि लास्ट डेट जो आपका एग्जामिनेशन फी है उसको सबमिशन कराने की जो डेट है वो आपकी लास्ट डेट होगी छह सितंबर ओके उसके बाद देखिए कोई भी करेक्शन करना है तो आपके फॉर्म आपने फिल किया अगर मान लीजिए कि, किसी मिस्टेक हो गई है ओके कोई प्लेस वगैरह में या फिर आपके नाम में कोई भी करेक्शन है तो उसके लिए यहाँ पर दिया गया है उसके लिए आपको सात सितंबर से लेकर बारह सितंबर तक आप वहाँ पर करेक्शन कर पाओगे उसके बाद देखिए डाउनलोड एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जो डेट है वो यहाँ पर अनाउंसमेंट नहीं की गई है ओके जब भी उसका लेटर होगा वो वेबसाइट पर वो लोग अनाउंस कर देंगे उसके बाद यहां पर डेट डेट दी गई है है आपकी आपकी एग्जामिनेशन की तो 6 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर आपकी ये डेट है ओके यहाँ पर आप देख सकते हो तो आपकी जो एग्जाम होने वाली है दिसंबर वाली और जून वाली दोनों एक साथ होने वाली है और यहाँ पर डेट भी दी गई है 6 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक उसके बाद टाइमिंग देख लीजिए तो टाइमिंग हर बार होता है वही टाइमिंग है फर्स्ट शिफ्ट का टाइमिंग है 9 से 12 और सेकंड शिफ्ट का टाइम है आपका 3 से 6 बजे तक का तो ये थी एक पब्लिक नोटिस जो एंड सी नेट की तरफ से जारी किया गया है ओके और दोनों एग्जाम को यहाँ पर जो है वो क्या है मर्ज कर दिया गया है ये भी यहाँ पर आपको बता दिया गया है दिखे दिसंबर टू एंड जून टू साइकिल विल बी मर्ज ओके तो यहाँ पर दोनों को मर्ज कर दिया गया है, ओके? ये थी एक बहुत ही नोटिफिकेशन। अब चलते हैं किस तरीके से कुछ बच्चे बोल रहे नीचे तो की ओर जब जाएंगे तो आपको यहाँ पर बॉक्स में लिखा हुआ मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म यूजर टू थाउजेंड ट्वेंटी एंड जून टू थाउजेंड ट्वेंटी वन साइकिल तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो यहां पर आपका फॉर्म फिल हो जाएगा ओके थोड़ा सा मैं ओके इसको थोड़ा सा हटा लेती हूँ भाई ओके चलो अब देखिए यहां पर ये अ आपको जब भी न्यू रजिस्ट्रेशन करना है ओके okay, तो उसके लिए आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर चार बॉक्स यहाँ पर ऊपर की ओर दिखेगा एक तो है आपका रजिस्ट्रेशन का दूसरा है एप्लीकेशन फॉर्म का तीसरा है इमेज अपलोड का और लास्ट में आपको फ़ी पेमेंट करनी ओके okay, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा रजिस्ट्रेशन करना होगा उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उसके बाद इमेज अपलोड करनी है और उसके बाद फ़ी पेमेंट करनी है ओके अभी देखिए पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो बात में बताऊंगी बाकी के जो भी फंक्शन है वो कैसे पे करनी कैसे आपको इमेज अपलोड करनी एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या है तो उसके लिए आप दिसंबर के लिए मैंने जो वीडियो बनाया था वो वीडियो की लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी तो वहीं से जाकर आप उस वीडियो को देखकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हो ओके तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पर दिया हुआ है अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हो अब देखिए यहाँ पर फीस भी दी गई है तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे मैम कितनी फीस है तो यहाँ पर बता देती हूँ कि जनरल वालों के लिए वन फ़ीस है ओके पर आपको दिया है वन रुपीस। आपकी कैटेगरी वालों के लिए फिर जो भी ओ बी सी वाले हैं ओके okay, जिनके पास नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट है और जो ईडब्ल्यूएस एस वाले हैं उनके लिए फाइव हंड्रेड रुपीज है और जो एस सी एस टी कैटेगरी वाले बच्चे हैं और जो भी हैंडीक्राफ्ट है तो उन सब के लिए टू हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ है ओके तो ये उनके लिए फ़ीस है तो फीस का मैंने बता दिया आपको यहाँ पर देखिए जो जो फर्स्ट स्टेप्स बताए थे तो वो फर्स्ट स्टेप्स को यहाँ पर आपको डिटेल्स में बताया हुआ है कि कैसे आपको उसको फॉलो करना है ओके उसके बाद देखिए जैसे नीचे आओगे तो यहाँ पर एक बॉक्स दिखेगा ये बॉक्स के ऊपर आपको क्लिक करना है क्लिक करके आपको क्लिक हेयर टू प्रोसेस मर जाना है जैसे ही आप यहाँ पर आते हो तो, तो आपको सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका खुल गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट नेम लिखना है फादर नेम लिखना है मदर नेम लिखना है ओके डेट ऑफ बर्थ जेंडर आइडेंटिटी टाइप ओके और फिर आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर भी देना है ओके तो, okay. उसके बाद कॉन्टेक्ट डिटेल है वो सारी आप फिल कर देना फिर आपको परमानेंट एड्रेस भी आपको क्या करना है फिल करना है उसके बाद आपको पासवर्ड वगैरह लगाना सिक्योरिटी पिन डालना है और फिर जाकर आपको क्या करना है सबमिट करना है तो ये सारी प्रोसेस आपकी रजिस्ट्रेशन के लिए है और एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट और फ़ी पेमेंट वाली जो भी बॉक्स है उसकी प्रोसेस अगर आपको जाननी है तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्सन में आपको लिंक भेज दूँगी तो उस पर जाकर आप उसे देख लेना और उसके हिसाब से भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है कौन सी साइट पर जाना है और कहां से कहां जाकर आपको फॉर्म फिल करना है ओके तो ये थोड़ी सी बात थी तो आप ध्यान से फॉर्म फिल करिएगा और सबको ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच